Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nikki Vlogs. I am Kirti Kalra and I hope आप सब ठीक होंगे. और आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है. टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. ये ट्रेंडिंग है ये टॉपिक. आजकल मैं यूट्यूब जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि हर हर कोई यही बना रहा है. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फॉर द दिवाली और करवा चौथ जो भी यू नो बनेगा. तो मैंने कुछ रेफरेंसेस जो हैं पिंटरेस्ट से निकाले हैं, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. सो आप देख लीजिए और इसी में से ही कुछ मैं चूज़ करूँगी. सबके लिए मैं जा रही हूँ लाजपत नगर और वहीं पे मुझे पता है 2-3 शॉप फैब्रिक्स की. मैं सब कुछ वहाँ से देखूँगी और मैं ट्राई करूँगी आपको सब कुछ दिखाने का, मैं क्या क्या ले रही हूँ, क्या क्या नहीं ले रही हूँ एंड एवरीथिंग. ट्राई करूँगी मैं कम से कम कॉस्ट में ये आउटफिट बना पाऊँ. बट लेट्स सी कैसे बनता है, क्या आता है. मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, एवरीथिंग. सो लेट्स गेट इन द वीडियो. तो मैं मेट्रो स्टेशन से निकल चुकी हूँ. ये मेट्रो स्टेशन है, ये सामने 24/7 है और उस साइड पे है मार्केट जो कि 2 मिनट के वॉकिंग पे है. एक्चुअली यहाँ पे पता है शॉप्स की मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से फैब्रिक मिलेगा. सो लेट्स सी कैसी होती हैं चीज़ें. मैम आप भी आइए. मैम सूट का है, साड़ी का है, लहंगे का है. मैम विंटर की कलेक्शन भी आ गई है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं. सो गाइज आई एम हेयर. यहाँ पे बहुत आज क्राउड है. सैटरडे है तो आज ऑब्वियसली यहाँ पे क्राउड मिलेगा ही मिलेगा. ट्रैफिक भी बहुत है, बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आज. तो मैं कुछ फालतू नहीं देखने वाली हूँ, मुझे जो चाहिए मैं बस वही देखूंगी और फट फट से यहाँ से निकल लूंगी. कुछ खाना भी नहीं है बिकॉज टुडे इज माय फास्ट. काफ्तान्स, ये काफ्तान्स का प्राइस क्या है भैया? 1750. काफ्तान 1750 विद प्लाजो. स्त्री वस्त्र सूट फैब्रिक्स एंड दुपट्टा है. इसके साथ वाली गली में जो है सारी फैब्रिक की शॉप्स हैं. मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जहाँ तक मैंने पहले लिया है, मैंने केसी क्रिएशन भी जाना है अगर आपको दिखना होगा. इसकी साड़ी बहुत अच्छी बनेगी. कलर वैसे जो मैंने आपको दिखाया है कैसे है ये? 1 मीटर ये 625 मीटर ऐसे में शेडिंग में ना एक ऊपर वो है. मुझे ये ओम्ब्रे में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पूरा प्रॉपर चाहिए. एक बट सेकंड फ्लोर पे तो फिर मुझे डाई करवानी पड़ेगी ना उसको. जैसे इसमें है ना पिंक के ऊपर वाइट ग्रे सारी डाई जो करागे उसमें ऐसा नहीं आता. अच्छा बेस जो होगा उसी का लाइट ब्लैक रहेगा. तो आप क्या कहते हो, मैं व्हाइट लूं या पूरा कलर ही लूं जो मुझे चाहिए? कलर ही ले लूं. कलर ही ले लूं. कलर में आप ये देखो पिंक के ऑप्शन है, जाल है, बूटा है. हाँ सब है. ब्लाउज के लिए ना है ना, तो मिक्स एंड अभी मैच हो जाएगा जो भी होगा. ठीक है मैं थर्ड फ्लोर पे देख लेती हूँ भैया. साड़ी का कपड़ा चाहिए भैया? ऑर्गेन्जा, मिक्स ऑर्गेन्जा में साड़ी का कपड़ा चाहिए. दिखाओ. कि कोई कहीं से कोई टुक ना हो बस. हाँ
सो मैं यहाँ पे आई हूँ केसी करेक्शंस में। मैं सबसे पहले गई थी नीचे, पूछा मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्गेन्जा में है। मैंने इनको अपने रेफरेंसेस दिखाए जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाले हुए थे, बट ऑर्गेन्जा प्योर ऑर्गेन्जा मुझे बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने सोचा मिक्स ऑर्गेन्जा देखते हैं। तो मैं थर्ड फ्लोर पे आई थी, बट उसमें मुझे कलर नहीं मिला और वाइट लेने का कोई सेंस नहीं बनता, उसको पूरा डाई करा हुआ एंड एवरीथिंग। हाँ भैया 6 मीटर कर दो। तो मैंने, ये कौन सा फैब्रिक है भैया? टसर सिल्क। तो मैंने 6 मीटर लिया है कपड़ा टसर सिल्क में, और मैंने ट्राई किया है कि मैं सेम डिटो एकदम कलर लूँ। तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया है टसर सिल्क, सो लेट्स सी कि इसका कैसा बनता है। अभी हम नीचे जाके इसका ब्लाउज देखते हैं कि कौन सा कलर शूट करता है। रानी पिंक है ना भैया, ये मैजेंटा है, रानी पिंक। सो देखते हैं कौन सा कलर का ब्लाउज, इनके पास एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज कपड़े सारे हैं फैब्रिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लेना पड़ेगा। और भैया ब्लाउज के लिए कितना फैब्रिक लेना है? इतना इतना मुझे एल्बो तक बनवाना है। डेढ़ मीटर कितना है? नहीं नहीं, एल्बो एल्बो से ऊपर थोड़ा। हाँ सवा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो 1.25 मीटर ब्लाउज लेना है हमें। साड़ी का कपड़ा मैंने उठा लिया, कितने मीटर है ये? 6 मीटर। नहीं नहीं, कितना पर मीटर कितने का है? कम नहीं करोगे भैया? थोड़ा डिस्काउंट कर दो, मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, मुझे कम से कम में दिखाना है। नहीं होगा भैया, इससे कम नहीं कर रहे हैं। 150 रुपए मीटर है ये कपड़ा, तो कितना हुआ टोटल अमाउंट? 900। 900 जीएसटी इंक्लूड करके? नहीं, जीएसटी इंक्लूड 945। सारे हमसे लूट लो भैया पैसे आप। चलो ठीक है, 945 रुपीज हुए मेरे ये साड़ी के फैब्रिक के। अभी मुझे ब्लाउज लेना है, तो देखते हैं उसके कितने होते हैं। कर दो भैया इसको मुझे बना के फोन नंबर 93। अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्लाउज का फैब्रिक देखने और मम्मी के लिए सूट का फैब्रिक देखने। तो फाइनली मैंने लाजपत नगर से अपना साड़ी का फैब्रिक और ब्लाउज का फैब्रिक लिया, और मामा का भी मैंने एक सूट का फैब्रिक लिया है, अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बहुत क्राउड है आज, सुबह ही आ जाओ 10:30-11 बजे तक, ताकि आपको क्राउड ना मिले। और फास्ट है तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मम्मा ने मुझे ऑरेंज दिया था, मैं वो खाऊंगी और मैं डायरेक्टली अपनी टेलर के पास जा रही हूँ, उनको मैं अपनी स्टिचिंग सारा मेजरमेंट दूंगी स्टिचिंग के लिए। मुझे लेस लेनी है साड़ी पे लगाने के लिए, वो लूँगी और उसके बाद आई एम डन। मैं अपने घर के पास ही एक मार्केट है बुढ़ेला, उधर आई हूँ और वहाँ से लेस ले रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी लेस लेती हूँ इसके साथ। साड़ी के लिए मुझे थोड़ी ब्रॉड चाहिए और ब्लाउज़ के लिए थोड़ी सी मुझे पतली चाहिए, तो देखती हूँ वो क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे क्या पसंद आता है। कौन से कलर आए थे दिखा दो सही, मुझे तो सैंपल दे रखे मैंने, जो आए वो दिखा दिए, वो मैडम ले भी गई शायद। भी आपके पीछे मल्टी बहुत ही ज़्यादा। Thank you.
गाइज ये था मेरा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फॉर करवा चौथ एंड दिवाली। ये कितनी कॉस्टिंग लगी है मुझे इस साड़ी पे, ये मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ साइड स्क्रीन पे दे दूंगी। और ये साड़ी स्क्रैच से बनाने में मुझे बहुत मजा आया। यू नो फैब्रिक लेके आना, अपनी पसंद की लेस लेके आना, अपने तरीके से स्टिच कराना। आई थिंक रेडीमेड लेने से अच्छा आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये इसका फैब्रिक लाजपत नगर से लिया था। साड़ी मैंने अपने घर के पास के बुटीक से स्टिच करवाई थी, उसकी डिटेल्स मैं नीचे आपको दे दूंगी, लोकेशन एंड एवरीथिंग। ये था मेरा वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच गाइज, इट फ्रॉम स्क्रैच फॉर करवा चौथ एंड दिवाली। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, आप लोगों को ये साड़ी का आउटफिट कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस साड़ी प्लीज एक कॉमेंट सेक्शन में एक हार्ट बना देना पिंक कलर का, बिकॉज आई एम वेरिंग पिंक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज निकी ब्लॉग्स। बाय गाइज, टेक केयर।